वो उनकी मंशा ये है कि अच्छा ये वो कहते हैं ना इसकी वो कटे यहाँ से कि हमारा रास्ता खाली हो, पर इतने आसानी से रास्ता खाली करने वाली तो नहीं होगी। पार्टी हाईकमान के लाख कोशिशों के बावजूद हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होती नहीं दिख रही। उदय भान के हाथों में कमान आने के बाद एक तरफ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड कर दिया गया है, तो वहीं इस फैसले से नाराज कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को ही अलविदा कह दिया। उधर उदय भान को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर किरण चौधरी और कुमारी सैलजा भी खुश नहीं है। ऐसे में हिसार पहुंची पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी ने एक बार फिर से हुड्डा को कड़ी नसीहत दे दी। किरण चौधरी ने हुड्डा का नाम लिए बगैर कहा कि वो लोग चाहते हैं कि किरण चौधरी भी जल्द से जल्द उनका रास्ता खाली कर दे, लेकिन किरण चौधरी इतनी आसानी से रास्ता खाली करने वालों में नहीं है। ये तो आप उससे पूछिए ना जो संगठन चला रहे हैं। अच्छा, वो ये कहते थे कि हमारे को कमांड मिल जाएगी तो एक महीने में हम संगठन खड़ा कर देंगे, जबकि कुमारी शैलजा को अशोक तंवर को नहीं खड़ा करने दिया गया संगठन। देख लिया ना, सामने तो है। कांग्रेस में भी कार्यकर्ता जो है इतने पुराने तो इनके लिए बेरोजगारी है, इनको पद तो मिल भी रहे तो बेरोजगारी है, नेता भी बेरोजगार हो रहे हैं। नहीं देखिए, और बिना काम करते आ रहे हैं, ये हो रहा है, और आप देख रहे हो पूरे हरियाणा के अंदर कर रहे हैं, है ना? एक छोटा सा सवाल है मैम, हाँ। कपड़े से डर क्यों लगता है? आज किसान मेला लगा हुआ है, मुख्यमंत्री जी वहाँ आए हुए हैं, तो किसानों को जो भी पगड़ी जैकेट या कुछ भी पहना हुआ अंदर नहीं जाने, तो आपका क्या कहना है? भैया मेरे को तो डर लगता नहीं, बाकियों की बात करूँ क्या? हाँ, मैं तो उस विरोध को समझना चाहिए कि क्यों है वो विरोध, और उसका समाधान निकालिए। जब आदमी विरोध तभी करता है जब कहीं दुखी है ना? तो मैं समझती हूँ इन चीज़ों के अंदर जो है डरना नहीं चाहिए। क्या डरने की बात? किरण चौधरी के रूप आजकल वो तेज तर्रार जो नेता है नजर नहीं आती है, तो कहाँ घूमे और दूसरा कोई नया कोई बड़ा फैसला कुछ आप ले सकती हैं भविष्य की राजनीति को लेकर? नहीं, मैं पूरी बात नहीं सुनी। सबसे पहले तो एक राजनीति को लेकर आप बड़ा फैसला कोई ले सकते, तो आप समझ सकते हैं कि किरण चौधरी का कितना वजूद होगा। वो कह रहे हैं अभी बीजेपी में भी नजर आ रही है। वो उनकी मंशा ये है कि अच्छा ये वो कहते हैं ना इसकी वो कटे यहाँ से कि हमारा रास्ता खाली हो, पर इतने आसानी से रास्ता खाली करने वाली तो नहीं हूँ मैं। दरअसल पिछले काफी दिनों से चर्चाएं चल रही हैं कि आने वाले चुनाव से पहले किरण चौधरी कोई बड़ा फैसला ले सकती है, जिसमें संभव है कि वो कांग्रेस को अलविदा भी कह दे। इतना ही नहीं, चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं कि किरण चौधरी भाजपा में शामिल हो सकती है, लेकिन इन अटकलों पर किरण चौधरी ने अब पूर्ण विराम लगा दिया है। किरण चौधरी का कहना है कि हमारे कुछ शुभचिंतक चाहते हैं कि किरण चौधरी जाएं और उनका रास्ता साफ हो जाए, लेकिन किरण चौधरी इतनी आसानी से रास्ता खाली करने वाली नहीं है। बता दें कि किरण चौधरी आज तलवंडी राणा में चल रहे धरने पर जाएंगी, जहां वो बंद रास्ते को लेकर ग्रामीणों की आवाज बुलंद करेंगी। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब की स्टडी में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।